और इस समय की बड़ी खबर, डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में अब लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान हो चुका है। और बड़ी खबर ये कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव जो कि डोरंडा ट्रेजरी मामले में दोषी पाए गए थे और आज सजा का ऐलान होना था, सजा का ऐलान हो चुका है, 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथी साकेत जुड़े हैं। जी साकेत, देखिए बिल्कुल 5 साल की सजा लालू यादव को सुनाई गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और साथ ही साथ उन पर 60 लाख का फाइन भी लगाया गया है। एक बड़ा मामला था, 139 करोड़ का ये पूरा मामला था, उसमें कोर्ट को सजा सुनाना था और इस बार इस सजा का ऐलान हुआ है। यहाँ पर देखिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन लोगों के पहुँचने का यहाँ पर सिलसिला जो है वो चल रहा था, क्योंकि एक बड़ा फैसला हमें सीधे एक बार देखते हैं यहाँ पर राष्ट्र जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के वो क्या कह रहे हैं। शक्ति जी, क्या जुर्माना लगाया है, क्या कहिएगा? जुर्माना और 5 साल की सजा। डोरंडा मामले में आदरणीय लालू प्रसाद जी 5 साल की सजा न्यायालय ने सुनाई है। ये सूचना प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। निश्चित तौर पर ये न्यायिक निर्णय है और न्यायिक निर्णय का हम सम्मान करते रहे। हमारा जो देश का संघीय व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस अनुरूप हम लोग इन चीज़ों का सम्मान करते हैं। कई मंच हैं जहां पर लोग जाकर के अपनी फरियाद लगाते हैं। निचली अदालत का निर्णय है और देश जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इस मामले में अलग अलग करके अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई है और पूरी हालात पर देश की भी नज़र है। बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो हजारों 10 हजार करोड़ पर गमन का आरोप है, लेकिन जो अनुसंधान अन्वेषण एजेंसियां हैं जिनके अधीनस्थ होकर के काम करती है वह सवाल के घेरे में जरूर होती है। न्यायिक निर्णय अन्वेषण के आलोक में होता है, क्योंकि अन्वेषण जो करता होता है वो एजेंसी देश की सीबीआई है और सीबीआई ने जिस रूप से अन्वेषण की है और अन्वेषण के फलाफल माननीय न्यायालय को समर्पित किया है उस आलोक में न्यायालय का निर्णय है। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुंचते हैं।